हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में 6 माह से वांछित 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जालौर के निर्देशन में लंबे समय से फरार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भागोड़ा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में 6 माह से वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशानुसार जिले में लंबे समय से फरार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डॉक्टर अनुकृति उज्जैनिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालौर एवं शंकरलाल वृत्त अधिकारी वृत्त भीनमाल के सुपरविजन में छत्तर सिंह निरीक्षक पुलिस थाना बागौड़ा के नेतृत्व में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए बागौड़ा पुलिस थाना में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामला नंबर 42/2021 में पिछले 6 माह से फरार वांछित अभियुक्त गण बाड़मेर जिले के सिंदरी चारनान निवासी रामाराम पुत्र खुमाराम जाति गवारिया उम्र 28 वर्ष एवं रमेश कुमार पुत्र लालू राम जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी सिंदरी चारनान पुलिस थाना सिंदरी को 23 अगस्त 2021 को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों से अनुसंधान जारी है। वहीं कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक छत्तर सिंह सहायक उप निरीक्षक बहादुर खां कांस्टेबल हिंदू सिंह अशोक कुमार मौजूद रहे। जागरूक टीवी की बागौड़ा से रिटमल दान राव की रिपोर्ट।